खबर देवास से है, जहां वार्ड क्रमांक 7 से निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे रईस खान अनोखे रूप में वार्डवासियों के बीच जा रहे हैं। इस बार पार्टी द्वारा टिकट नहीं दिए जाने पर उन्होंने मतदाताओं के कहने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पूर्व में भी खान की पत्नी इस वार्ड से पार्षद थी। पार्षद प्रत्याशी रईस खान वार्ड में घर घर जाकर धार्मिक पुस्तक भेंट कर जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। शहर के 45 वार्डों में प्रत्याशियों द्वारा किए जा रहे जनसंपर्क में से यह सबसे अनोखा जनसंपर्क देखने को मिल रहा है। रईस सर्वधर्म व भाईचारे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। हिंदू समाजजनों को रईस खान रामचरितमानस और मुस्लिम समाजजनों को यासीन शरीफ की किताब भेंट कर रहे हैं, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। रईस खान बताते हैं कि पूर्व में जनता के बीच रहकर कई विकास कार्य किए हैं, यदि जनता उन पर पुनः भरोसा जताती है तो उनके भरोसे पर खरा उतरेंगे। पहले तो ये कौन सा वार्ड है और क्या प्रत्याशी का नाम है? ये सबसे पहला तो मैं आपको देवास की माँ चामुंडा नगरी में मेरा नमस्कार करता हूँ, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर वाले सरकार की बारगाह इलाही में आपको सबको सलाम करता हूँ। ये वार्ड नंबर 7 है, जिससे पहला भी मेरी पत्नी यहाँ पर पार्षद रह चुकी हैं, और इस बार ऊपर वाले की दुआ से मैं इस वार्ड से चुनाव लड़ रहा हूँ। अभी आपके प्रचार में एक नई चीज़ देखने को मिली कि आप दोनों धर्मों को किताब बांट रहे हैं, किस प्रकार की किताब और क्या उद्देश्य है उसके पीछे? एक रामचरित्र किताब है, जो रावण के लिए राम ने पहला बाण छोड़ा था, ऐसा कि ऐसे ही मैंने इस वार्ड के लिए जो बाहर के प्रत्याशी और कुछ इस टाइप के लोग यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं उनके पीछे मैंने राम भगवान की चीज़ को लेते हुए एक बाण छोड़ा है। हो सकता है कि उससे इस जनता का भला हो सके और जनता को दोनों समाज को लेकर मिलजुल कर रहकर वार्ड के अंदर विकास हो सके। मैंने एक मुस्लिम धर्म की भी किताब बांटी है, उसको कहते हैं यासीन शरीफ। मैंने सभी मुस्लिम धर्म की माँ बहनों से भी गुजारिश करी है कि आप अल्लाह से मेरे लिए दुआ कीजिए कि इस वार्ड के अंदर अमन चैन बना रहे और विकास कार्य पूर्ण विकास कार्य हो सके। अच्छा, पिछली बार जब पार्षद थे किस प्रकार के आपने विकास कार्य किए और कुछ आंदोलन किए थे बताएं? पिछली बार भी मेरे को पार्टी से टिकट नहीं दिया था, उस टाइम पे मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, और वार्ड क्रमांक 7 की जनता इतनी समझदार है कि समझाइश के बाद में क्या करती है ये सारी जनता देवास की भी जानती है। और अगली बार हमने जो चुनाव लड़ा था वो सिर्फ विकास के लिए लड़ा था, और अभी इस बार भी हम चुनाव लड़ रहे हैं तो विकास के लिए लड़ा है। अभी चुनाव जीतने के बाद क्या प्राथमिकता रहेंगी अभी? मेरी सबसे पहला चुनाव जीतने के बाद में पहली प्राथमिकता यह है कि एक तो मुस्लिम मैयत के लिए जनाजे की व्यवस्था नहीं है, गाड़ी की वाहन की व्यवस्था मुझे करना है, और एक शव वाहन हिंदू धर्म के लिए व्यवस्था करना है। एक डिलीवरी के लिए जो महिलाएं बेचारी रात में परेशान रहती हैं, कभी से भी गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है तो गाड़ी नहीं मिलती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसके लिए गाड़ी की व्यवस्था नहीं होती है, तो मैं एक एम्बुलेंस गाड़ी भी इस वार्ड के अंदर उपलब्ध कराना चाहता हूँ।